हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स गुरु। तो आज से हम ये शुरू करने वाले हैं नई सीरीज आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इस जो सीरीज है, इसका जो टाइटल है, ये वो टाइटल है जो नॉर्मली आपके स्कूल टीचर्स जब पढ़ाते हैं टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो ये लाइन हमेशा यूज़ करते हैं। चाहे आप अपनी प्राइवेट क्लासेस में हेल्प के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके सर या मैम ये लाइन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं उन बातों के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो बात क्या है? बस ये बात याद रखना, यानी बस एक बात याद रखना। तो टाइटल यही रहेगा, बस एक बात याद रखना। और शुरू करते हैं इसमें आज का पहली बात जो आपके टीचर्स, आपके ट्यूटर्स वो हेल्प करना चाहते हैं और आपको हमेशा एक बात याद देते हैं कि बोर्ड में ये बात जरूर याद रखना। तो ये बात कौन सी है? आज लेके आ रहे हैं पहला पॉइंट, और वो पॉइंट है कि कब डिबेंचर्स के चैप्टर में जब आप DRR बना रहे हैं तो कब आपको ध्यान रखना है कि 100% DRR बनना है। तो ऐसी कौन सी लाइन, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा हिंट गिवन होगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, जहां आपको 100% DRR बनाना है, यानी 25% नहीं बनाना। तो वो क्या लाइन होगी? और वो लाइन होगी क्या? दो सिचुएशन। पहला, जब हम क्वेश्चन में आपको देंगे कि एक्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे आर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो लाइन है रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, ये इंडिकेट कर रही है कि आपको 100% डिबेंचर्स को रिडीम करना है प्रॉफिट से, यानी अगर 10 लाख के डिबेंचर्स हैं तो आपको DRR 10 लाख रुपीज बनाना है। बट यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम के ऊपर तो क्या प्रीमियम इंक्लूड करके बनाना है DRR? नहीं, ओनली फेस वैल्यू का आपने बनाना है, फाइन। दूसरी बात, अगर ये लाइन ना लिखी हो रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट तो कब आपका 100% DRR बन सकता है? वो तब है जब आपके डिबेंचर्स 10 लाख गिवन है और उस क्वेश्चन के अंदर कंपनी का प्रॉफिट गिवन है मोर देन 10 लाख, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा प्रॉफिट अगर गिवन है तो वहां भी आप DRR 100% बनाएंगे, फाइन। तो ये दो सिचुएशन थी, तो ये बात ध्यान रखना। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे 2-2 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। आपकी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सी ऐसी बात है जो आप जानना चाहते हैं इस सीरीज के थ्रू। डेफिनेटली उसका वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अगर ये हमारा पहल अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए चैनल, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको ये बात जरूर याद रखनी है बोर्ड एग्जाम में, फाइन। सो बस ये बात जरूर ध्यान रखना। थैंक यू।